दी ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन सौंपा गया। दी ऑटो रिक्शा वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय चौबे के नेतृत्व में एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि शहर में संचालित प्राइवेट बसों के स्थायी स्टैंड की व्यवस्था शहर से हटाकर की जाए। चौकाघाट लकड़ी मंडी से गाजीपुर के लिए आवागमन होने वाली बसों को आशापुर ओवरब्रिज के पास रोका जाए, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। पांडेपुर आजमगढ़ रोड पर आवागमन करने वाली बसों को लालपुर रिंग रोड के पास स्टैंड की व्यवस्था कर रोका जाए, जिससे बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं करेंगी तो जाम की समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने एसपी ट्रैफिक से मिलकर अपनी कई मांगों को रखा है और उनसे आग्रह किया है कि हम ऑटो रिक्शा चालकों के जीवन यापन हेतु इन समस्याओं का समाधान करें, जिससे चालक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आज हम लोगों ने यातायात का जो नियम का होना चाहिए, यातायात का सिस्टम, उन लोगों ने कई बार उनको अवगत कराया, हाँ, एसपी ट्रैफिक महोदय जी को, मगर एसपी ट्रैफिक साहब लगता है कि उस बात को ध्यान ना दे करके सिर्फ अपने मैं वाले में कर रहा है। मैं वाले में शब्द में ये हो गया कि आज लहुराबीर से लेकर के लक्सार और गोदुलिया ये सब जगह से वाहन तीन पहिया जो गाड़ियां ऑटो रिक्शा रोक दिया गया, और ये रिक्शा रोकने के कारणवश आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज जो विकलांग है, जो लोग दर्शनार्थी दर्शन करने आते, जो बुजुर्ग हैं, उनका उस व्यवस्था से सुचारू रूप से उनको व्यवस्था मिलता था, वो सही समय पर पहुँच जाते रहे, दर्शन भी करते रहे व्यवस्था, आज वो न होने से उनको भी पतरना होने और आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो गलत है। तो क्या मांगे कर रहे हैं? हमने उनको सुझाव भी दिया, सुझाव समझाया भी है किस तरह चलना। उसी जगह शहर के अंदर बस हैं, हाँ, कैंट में बस देखिए प्राइवेट बस चलती हैं, हाँ, अभी चल जाइए पांडेपुर बस चल देखिए चल जा रहा है, अभी आप चल जाइए लतारा, ये सब जगह देखिए, सब जगह बस प्राइवेट सब चल रही खड़ी हैं, तो ये किससे जाम लगता है? यदि उनका दूर, यदि शहर के दूर पर रहेंगे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी दूर जाएंगे और बनारस भी खाली रहेगा। जब आप एक ही जगह रख करके उनको करेंगे, यदि हम वो वहाँ से सवारी लेते तो तुरंत पुलिस वाले उसका चालान कर देते हैं और उस पर रोक बोलते हैं कि इनका नहीं कर रहे हैं, ये गलत क्यों खड़ा कि हम अपना सवारी, तो उस पर उसको मारते भी हैं। और इस काशी में सिर्फ ऑटो चालक रिक्शा इतने गरीब हैं जिनको मारा जाता है, अपमानित किया जाता है और उनका पैसा भी लिया जाता है प्रताड़ना करके, और 55,000 रुपये चालान किया जाता है। और स्टैंड होने के, नगर निगम का स्टैंड होने के बावजूद भी उस जगह पर पहुँचने नहीं दिया जाता, जिससे राजस्व का भी हनन हो रहा है, यात्री का भी हो रहा है। सुझाव को भी हम लोगों ने दिया, वॉलंटियर खड़ा करने के लिए दिया, हमने लोगों ने सब चीज़ व्यवस्था करके दे रहे हैं, मगर उस व्यवस्था को न लेकर के वो अपने मनमानी तरीके से करे, जिसके कारण आज भुखमरी का कगार हो गया। 14 तारीख 15 तारीख को खिचड़ी था, कितने लोग अपने परिवार में खिचड़ी नहीं बनाए, कितने लोग बहन बिटिया के खिचड़ी पहुँचाते थे, जो बनारस और पूर्वांचल का जो होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया।